ये एंड्रॉयड से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे मीनूज के बारे में, जो एंड्रॉयड में मीनू होते हैं। जैसे अगर हम देखे होंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र में, तो 3 डॉट राइट साइड में नज़र आ रहा होगा, तो वो 3 डॉट पे हम प्रेस करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, मीनू। जैसे हम अपने वेब पेज जब डिजाइन करते थे तो हम मीनू का वो बनाते थे, एक होम, एक कॉन्टेक्ट अस, एक अबाउट अस, इस तरह से हमारा साइड में मीनू था, या ऊपर 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 मीनू बनाते हैं, तो ये क्या है, मीनू। तो इसी तरह हम अपने जो एंड्रॉयड ऐप है उसमें मीनू डिजाइन करने वाले हैं आज। तो मीनू क्या होता है, मीनू का यूज क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करें। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है कि जो हमारा मीनू है वो क्या है कि जो हमारा यूआई कंपोनेंट होता है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे अगर हम यूआई कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, जिससे हम इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं यूजर के लिए, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हुआ, सॉरी टेक्स्ट व्यू हुआ, बटन हुआ, इमेज व्यू हुआ, रेडियो बटन हुआ, चेक बॉक्स हुआ, ये सब क्या है, यूआई कंपोनेंट हमारे थे, जिसके द्वारा हम क्या करते थे कि यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कोई काम करने के लिए। उसी तरह मीनू भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूआई कंपोनेंट को डिस्प्ले करवाने में। तो अगर हम बात करें मीनू की क्या नीड पड़ी, तो मीनू के द्वारा हम क्या करते हैं कि मीनू के द्वारा मतलब 3 बेसिक रीजन है जिससे हम मीनू का यूज करते हैं। पहला रीजन है कि एक एप्लीकेशन से दूसरे लिंक, दूसरे एप्लीकेशन पर जाने के लिए लिंक प्रोवाइड करना। फिर दूसरा क्या है कि एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए। स्ट्रक्चर का मतलब अगर हम डिजाइन भी डिजाइन की बात करें तो स्ट्रक्चर, जैसे हम वेब पेज बनाते थे तो होम, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह का टाइप रखते थे, उसी तरह हम एंड्रॉयड ऐप में भी ये सब काम करेंगे। किससे, मीनू के द्वारा। मीनू जो होता है साइड में पॉपअप की तरह ओपन होता है, फिर क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने जो डिजाइन व्यू है उसको क्या करेंगे, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। फिर तीसरा क्या है कि मीनू का यूज इजी नेविगेशन के लिए होता है, मतलब एक एक्टिविटीज से दूसरे एक्टिविटीज पे जाने के लिए, मतलब एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने के लिए, तो हम मीनू का यूज करेंगे। अगर हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाना है तो हम मीनू का यूज करते हैं, क्योंकि ये साइड में पॉपअप की तरह खुल लेगा फिर क्लोज हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे जो स्क्रीन पे ज़्यादा डाटा नहीं दिखेगा। जो हमारी मोबाइल की स्क्रीन होती है वो बेसिकली बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू लैपटॉप, टैबलेट, तो उसमें क्या करना पड़ता करना है हमको कि हमें साइड में मीनू बनाना है। तो आज हम मीनू के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास जो PDF एक है उसमें क्या लिखा है मीनू के बारे में। तो देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि मीनू इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ UI कंपोनेंट विच इज यू टू प्रोवाइड सम कॉमन फैसिलिटी अराउंड द एप्लीकेशन। तो मीनू क्या है कि UI कंपोनेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि कुछ जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं एंड्रॉयड का, उसमें कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे हुआ बुकमार्क करने का, न्यू टैब ओपन करने का। अगर हम ब्राउज़र की एक बात करें, जैसे वेब गूगल क्रोम हुआ, तो उसमें क्या है कि हम मीनू के अंतर्गत क्या बनाते हैं, एक न्यू टैब करके बनाते हैं, कि न्यू इन नाइट टैब करके बनाते हैं, बुकमार्क करके बनाते हैं, रिसेंट टैब, हिस्ट्री, डाउनलोड, डेस्कटॉप साइड सेटिंग, ये सब कहाँ गूगल क्रोम में हम देख रहे होंगे कि ये साइड में, मतलब जब हम जो 3 डॉट वाला पॉइंट होता है उस पर प्रेस करते हैं तो ये साइड में खुल के ओपन होता है। तो मतलब ये सब फंक्शनैलिटी हम या तो हम किसी बटन के द्वारा बना सकते थे इंटेंट के द्वारा, या तो हम मेनू के द्वारा। तो मेनू जो है वो क्या है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों मेनू इम्पॉर्टेंट इसमें रोल अदा कर रहा है, क्योंकि ये जो मेनू है हमारा वो साइड पॉपअप की तरह ओपन होता है फिर क्लोज हो जाता है, मतलब जब उसका यूज नहीं रहता, तो इसलिए मेनू हमारे लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है।
फिर देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ मीनू यूजर कैन एक्सपीरियंस स्मूथ एंड कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस थ्रू आउट द एप्लीकेशन। जो हमारा मेनू के द्वारा यूजर एक्सपीरियंस करता है वो क्या करता है कि स्मूथ एक्सपीरियंस करता है। तो चलिए देखते हैं कि मेनू को कैसे बनाते हैं। अगर हम एंड्रॉयड स्टूडियो की बात करें तो एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर हम डिजाइन व्यू की बात करें तो डिजाइन किस में बनता है, XML फॉर्मेट में बनता है। जो डिजाइन हम बनाते हैं XML में बनाते हैं, तो मीनू भी तो डिजाइन का ही पार्ट है ना, तो हम इसको भी XML में बनाएंगे। तो अगर हमें मीनू को बनाना है तो हमें क्या बनाना चाहिए कि एक अलग फोल्डर, मतलब एक अलग XML फाइल में बनाना चाहिए। क्यों अलग बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम मान लीजिए हमें दो तीन एक्टिविटीज़ के साथ अगर हमें मीनू दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा कि उस मीनू के रिस्पेक्ट में खाली कोड लिखना पड़ेगा, बाकी तो डिजाइन व्यू तो अलग रहेगा। उस मीनू को एक्सेस करने के लिए, मतलब उस लेआउट को एक्सेस करने के लिए सिर्फ जावा में कोड करना पड़ेगा। बार बार हमें मीनू वाला डिजाइन नहीं बनाना पड़ेगा हर एक डिजाइन में। जैसे मान लीजिए अभी हम एक्टिविटीज बना रहे हैं लॉगिन वाले पेज के लिए, तो अगर हमें उसमें मीनू दिखाना है तो हमें क्या करना, क्या करेंगे कि हम उसके रिस्पेक्ट में क्या वो जो मीनू वाला पार्ट होगा वो जावा में हम कॉल कर लेंगे। अगर मान लीजिए, और एक फ़ायदा ये है कि अगर हम नए XML फॉर्मेट में मीनू बनाते हैं, तो मान लीजिए हम एक एक्टिविटीज के लिए अलग मीनू बनाते हैं जिसमें सिर्फ लॉगआउट और साइन इन वाला हो, और एक अलग अलग एक्टिविटीज मतलब अलग स्क्रीन के लिए अलग बनाते हैं कि जिसमें मान लीजिए अगर हम वेब ब्राउज़र बना रहे हैं तो उसमें तीन चार न्यू टैब हो, हिस्ट्री देखने के लिए हो, बुकमार्क करने के लिए हो, सेटिंग करने के लिए हो, ये सब ऑप्शन उसमें डालेंगे। तो ये फ़ायदा है कि मतलब हमें मीनू के एक सेपरेट फाइल में बनाना चाहिए, एक अलग फाइल में बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ, देखिए यहाँ लिखा है, देखिए जो इन एंड्रॉयड टू डिफाइन मीनू वी नीड टू क्रिएट न्यू फोल्डर मीनू इन साइड द प्रोजेक्ट रिसोर्स डायरेक्टरी रिसोर्स स्लैश मीनू एंड एट ए न्यू XML फाइल टू बिल्ड द मीनू विद द फॉलोइंग एलिमेंट। जो मीनू में एलिमेंट होते हैं, जो XML फाइल बनाते हैं उसमें जो एलिमेंट होते हैं, मीनू होता है, आइटम होता है, ग्रुप होता है। ग्रुप क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ग्रुप चाहे हम लिखें या ना लिखें। तो इस तरह से हमारा जो मीनू वाला XML फाइल होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो चलिए देखते हैं कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे डिजाइन कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होने के बाद हमारे पास इस समय कितनी एक्टिविटी है, दो एक्टिविटीज़ है। कौन कौन सा, एक तो मेन एक्टिविटी करके है, एक अदर एक्टिविटीज़ करके है, जिसका XML कुछ इस तरीके से है। पहला ये जिसमें एक टेक्स्ट व्यू है और एक बटन है। दूसरा है अदर करके, जिसमें क्या है कि इमेज बटन है और इमेज वाला है। तो इमेज वाले हम हटा देते हैं, सिर्फ इसमें बटन है। ये पिछले मतलब वीडियो में हम लोग देखे थे जब हम इंटेंट वाला प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो उसमें हम इस मेन एक्टिविटी जो था उसमें हम इस बटन पे क्लिक करके हम क्या आते थे, इस वाले एक्टिविटीज पे पहुंच जाते थे। तो किसके द्वारा, इंटेंट के द्वारा। तो अब उसी में हम कंटिन्यू करते हैं, अब इसमें समझते हैं कि मीनू कैसे बनाते हैं। तो मीनू बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो रिसोर्स वाला मेरा फोल्डर है, ये रिसोर्स फोल्डर है, इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे। तो उस पर राइट क्लिक करके हम न्यू करके न्यू क्या करेंगे, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, जिसका नाम हम क्या रखेंगे, मान लीजिए हम मीनू रख दे रहे हैं। तो देखिए मीनू नाम का एक फोल्डर बन गया। अभी इसमें फाइल नहीं है तो इस तरह से हमारे पास वो इंडिकेटर नहीं आ रहा है कि इसके अंदर भी जा सकते हैं। तो अब इस पे राइट क्लिक करके हम क्या बनाते हैं कि एक XML फाइल बनाते हैं जिसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, मीनू वाला वो पूरा कोड लिखेंगे। तो राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे गए, न्यू के बाद क्या, XML फाइल, कहीं XML फाइल दिख रहा है, ये देखिए फाइल है।
फाइल के अंदर क्या है कि हमें XML फाइल बनाना है, तो उसका नाम क्या है, मान लीजिए हमने रख दिया मीनू अंडर स्कोर ग्लोबल डॉट XML, इंटर कर देते हैं। इसके बाद देखिए मेरा जो मीनू से रिलेटेड है वो XML पूरा खुल गया। अगर मान लीजिए मीनू का आइटम हमें चाहिए तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, इसमें ये मीनू चाहिए, मीनू को ले आते हैं, फिर कोड देख लेते हैं कि मीनू के रिगार्डिंग कोई कोड नहीं बना, तो हमें क्या करना है, लिखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं ये एरर क्यों आ रहा है, देखिए वन एरर, अभी देखते हैं एरर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोड पड़ा हुआ है उसी को कॉपी कर लेते हैं, लिखने से ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा इसलिए हम कॉपी कर रहे हैं। इस पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट टूल कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने इसमें पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने पे हम देख रहे हैं कि एक लाइन में आ गया। अब हम इसको अलग अलग बनाएंगे, तो XML के बाद हमारा मीनू के बाद हमारा जो XML होता है मीनू का वो हो गया। फिर क्या हुआ, आइटम में सबसे पहला है एंड्रॉयड का हो गया, फिर दूसरा आइटम इस तरीके से हमने मीनू वाला पूरा कोड कर लिया है। देखिए जो हमने मीनू बनाया है उसमें कितने आइटम है, 3 आइटम है। पहला क्या है कि मेल एंड्रॉयड टाइटल मेल, तो मतलब मेल एक ऑप्शन आएगा, एक अपलोड, एक शेयर, 3 आइटम आएंगे। लेकिन देखिए इस पे तीनों जो हमने टाइटल लिखा है उस पे क्या कुछ मतलब हाईलाइटेड है। यहाँ देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है कि ये यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग शेयर शुड यूज एट द रेट स्ट्रिंग रिसोर्स। जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है वो क्या कि जो वैल्यूज वाला फोल्डर है, जो वैल्यू वाला हमारे पास फोल्डर है उसमें क्या है, ये सब वैल्यूज रहती है। जैसे स्ट्रिंग क्या यूज हो रहा है, जैसे हमारे ऐप का क्या नाम है, MMIT इंटेंट करके, तो क्या है कि ये वैल्यू कहाँ लिखी गई होगी, इस स्ट्रिंग वाले फाइल में लिखी गई होगी, जो स्ट्रिंग डॉट XML फाइल है उसमें लिखी गई होगी। तो हम इसको करते हैं ओपन, देखते हैं जो हमारे ऐप का नाम है क्या है, MMIT इंटेंट। तो जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है ये कहता है कि जो मतलब जिसकी जगह प्रॉपर जगह है वहीं अपनी कोडिंग करिए। जैसे स्ट्रिंग से रिलेटेड हमें कोई लिखनी है तो हमें स्ट्रिंग फोल्डर में होनी चाहिए, मतलब स्ट्रिंग कोई वैल्यू से रिलेटेड। कोई कलर हमें देना है तो कलर वाले फोल्डर में होना चाहिए, कलर वाले फोल्डर में XML में लिखा होगा। तो हम इसको अगर हम XML अपने इसमें यूज करते हैं तो ऐट द रेट उस फोल्डर का नाम करके करते हैं। जैसे हमें स्ट्रिंग को करना है तो हम क्या करते हैं, ऐट द रेट स्ट्रिंग डॉट जो स्ट्रिंग का नाम होगा उसको हमने अपने उस XML में कॉल करते हैं। तो कहानी का मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा लिख रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन क्या वार्निंग आ रहा है कि आप प्रॉपर जगह पे नहीं लिख रहे हैं। जैसे अगर हम मेल के लिए बात करें तो मेल के लिए क्या बता रहा है कि हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है,
मतलब इसकी कोडिंग यहाँ नहीं, प्रॉपर पोजीशन यहाँ नहीं है, इसको हमें कहाँ स्ट्रिंग वाले फाइल में लिखनी होगी। तो हम क्या करेंगे कि जो एरर मतलब वार्निंग दिखा रहा है उस पर क्या दिखा रहा है कि मोर एक्शन करके दिखा रहा है, मोर एक्शंस अल्ट प्लस इंटर, तो उसको प्रेस करके हम देखेंगे कि क्या वार्निंग आ रहा है, तो उससे रिजॉल्व करेंगे। तो हमने अल्ट और इंटर का बटन दबाया तो क्या कह रहा है कि हार्ड कोडेड एट्रीब्यूट है। तो हमने क्या देखिए, जो मेल वाला है वो क्या कह रहा है, हार्ड कोडेड है, तो अल्ट प्लस इंटर दबाया तो क्या कह रहा है, एग्जैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स। तो जैसे मेल के लिए रिसोर्स नाम हमने मेल रखा है, रिसोर्स की वैल्यू मेल रखा है, और ये कहाँ बन रहा है, हमारे इस फाइल में स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में बन रहा है। ओके बटन दबाते हैं। अब देखिए, जैसे ही ओके किए इसके बाद ये चेंज हुआ, एट द रेट स्ट्रिंग बैक स्लैश मेल। तो जो ये करते ही हमारे जो स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल होगा वो उस नाम का स्ट्रिंग आ गया होगा, जैसे नाम क्या था मेल और उसकी वैल्यू थी मेल। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से भी जो वार्निंग आ रहा है उसको यहाँ से भी हम सही कर सकते हैं। जैसे अपलोड के लिए, तो अपलोड के लिए हमने अल्ट और इंटर बटन दबाया, फिर इस पर आया, फिर अपलोड, मान लीजिए हम वैल्यू कुछ कैपिटल यू देना चाह रहे हैं तो हमने कैपिटल यू दे दिया अपलोड, तो ओके दबा दिया। फिर हम देख रहे हैं स्ट्रिंग वाले फोल्डर में, देखिए नाम अपलोड है और कैप वैल्यू क्या है, अपलोड कैपिटल यू है। तो इस तरह से ये क्या है, ये नाम है और वो वैल्यू है। इस तरह शेयर वाला भी हम कर रहे हैं, तो शेयर वाले के लिए क्या दबाएंगे, अल्ट प्लस इंटर दबा दिए। देखिए कुछ सिस्टम हैंग हो रहा है, मान लीजिए हमको क्या कि शेयर वाला हमें यहाँ से नहीं लिखना है, मान लीजिए हम इसी को यहीं से हमें करना है, तो हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं और इसी के नीचे पेस्ट कर दे रहे हैं। फिर नाम हम क्या दे रहे हैं कि शेयर, एस एच ए आर ई शेयर दे दिया, और उसकी वैल्यू मान लीजिए शेयर इट, एस एच ए आर ई शेयर रख दिया। तो अब देखते हैं जो वार्निंग आ रहा था वो फिनिश हुआ कि नहीं, अब देखते हैं। तो वार्निंग अभी फिनिश नहीं हुआ, क्यों नहीं, क्योंकि ये हमें क्या ऐट द रेट स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, अब यहाँ से आ रही है, तो हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया। देखिए अब फिनिश हो गया, कोई वार्निंग नहीं आ रहा, देखिए एकदम सही टिक हो गया। तो इस तरह से मतलब क्या है कि एंड्रॉयड स्टूडियो ये कहता है कि जहाँ जिसकी पोजीशन है वहाँ आप कोडिंग करिए। जैसे स्ट्रिंग के रिलेटेड कोई कोड करना है तो स्ट्रिंग वाले फोल्डर में करिए, स्ट्रिंग वाले फाइल में करिए। अगर हमारे पास लेआउट का कोई काम करना है तो लेआउट वाले में करिए। मीनू के से रिलेटेड काम करना है तो मीनू का एक फोल्डर बनाइए, उसमें काम करिए। मिप मैप में क्या है कि जो हमारा लॉन्चर आइकन होता है ऐप का, उससे रिलेटेड काम होता है, आईसी लॉन्चर राउंड, इस तरीके से मतलब जो इमेज हम रखेंगे यहाँ उस तरह से इमेज दिखाएगा। जैसे हम इसको अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो एक कॉमन आइकन की तरह दिखता है, अगर हमको उसको चेंज करना है तो हमें सिर्फ इस फोल्डर में आके वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, मतलब वो इमेज यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से इमेज चेंज करेंगे तो आइकन की इमेज चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हमें काम करना पड़ता है। तो अब करते हैं कि देखते हैं, तो ये तो मीनू का फाइल हमने तैयार कर लिया, अगर हमें मीनू की फाइल को अपने, मान लीजिए हम इस मेन एक्टिविटीज में मीनू की फाइल, मीनू को कॉल करना चाहते हैं कि हमें इस एक्टिविटीज में दिखे कि मीनू है, तो उस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा,
इसके रिलेटेड हमें जावा में कोडिंग करनी पड़ेगी। देखिए हमारे पास मेन एक्टिविटीज में यहाँ भी वार्निंग दिखा रहा है क्योंकि टेस्ट लिखे हैं, टेस्ट का पोजीशन यहाँ नहीं है, तो यहाँ देखिए वार्निंग दिखा रहा है। कितनी वार्निंग है? 3 वार्निंग फाउंड। तो 3 वार्निंग कहाँ है? एक तो यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये कैसा वार्निंग है? नेम स्पेस के रिगार्डिंग वार्निंग है। तो हम इस वार्निंग को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो इस पर करते हैं अल्ट और इंटर। उसके बाद स्ट्रिंग रिसोर्स में आते हैं, वैल्यू कुछ डालते हैं, तो अब क्या देखिए, देखिए ये पूरा एकदम वो हो गया। मान लीजिए हम इसका नाम क्या डालना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग वाले में आए, ये बड़ा सा नाम हमने दे दिया। हम मान लीजिए छोटा सा नाम देना चाह रहे हैं, जैसे टेस्ट देना चाह रहे हैं, टेस्ट 1 दे दिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट 1 से हैं हमें इसकी वो लिखनी पड़ेगी। देखिए एरर आ गया क्योंकि अब इस नाम का कोई हमारे पास स्ट्रिंग रिसोर्स नहीं है, तो हमें क्या टेस्ट 1 लिखना पड़ेगा, टेस्ट 1। देखिए हमने लिख दिया है लेकिन हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है तो इस तरह से लोड ले रहा है। जब हम लिख चुके हैं तो अभी जब नॉट रिस्पॉन्ड, देखिए नॉट रिस्पॉन्ड दिखा रहा है, अगर ये रिस्पॉन्ड करने लगेगा तो ये ऑटोमेटिक अभी सही हो जाएगा। देखिए तो देखते हैं कि जो हमारे पास मेनू है उनके जो आइटम है उनकी क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है। सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या है, आईडी है। उसके बाद आइकन है, जो हमारा आइटम है मेनू का, अगर हम आइकन शो करना चाहते हैं तो हम आइकन का एट्रीब्यूट लगाएंगे। मान लीजिए अगर हम बुकमार्क वाला मेनू बनाते हैं बुकमार्क करके, तो उससे रिलेटेड जो आइकन अगर हमें शो करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हम ड्राइवेबल फोल्डर से उससे रिलेटेड जो हमारे पास आइकन होगा उसको हम उसका हम लिंक दे देंगे, वो आइकन वहाँ दिखने लगेगा। तो इस तरीके से एक दूसरा क्या हुआ, आइकन हुआ। तीसरा क्या है, टाइटल। टाइटल का मतलब जो टेस्ट है कि क्या किस नाम का मेनू का टाइटल होगा, तो तीसरा क्या है, टाइटल है। फिर अगला है सो एज एक्शन। सो एज एक्शन का मतलब अगर हमारे पास मेनू खुलने का जगह होगा तो खुलेगा, अगर सो एज एक्शन करें तो सो एज एक्शन में चलिए देखते हैं कि सो एज एक्शन करने पे क्या होता है। ये है, मान लीजिए हमने इसको क्या किया, कट किया, हम डाल रहे हैं सो एज एक्शन। सो एज एक्शन करने पे देखिए यहाँ कितना ऑप्शन आ रहा है, इफ रूम ऑलवेज कोलैप्स एक्शन व्यू नेवर विथ टेस्ट। तो ये 5 तरह के जो हमारे सो एज एक्शन हैं वो आते हैं। इफ रूम का मतलब ये हुआ कि जब हमें जगह मिलेगी तब ओपन होगा, अगर उससे जगह नहीं है तो नहीं ओपन होगा। ऑलवेज का मतलब हुआ कि जैसे ही हम मेनू बनाएंगे हमेशा वो ओपन होता रहेगा। जैसे अभी हम टेस्ट करेंगे तो क्या, अगर हम इफ रूम कर रहे हैं तो हम अगर प्रेस 3 डॉट वाले पे प्रेस करते हैं तब हमें वो ओपन होता है अगर जगह होगी। ऑलवेज अगर कर देंगे तो हमेशा वो ओपन हुआ रहेगा। कोलैप्स एक्शन व्यू नेबर विथ टेस्ट ये सब भी ऑप्शन है, तो हम अभी के लिए इफ रूम वाला ऑप्शन कर दे रहे हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा सो एज एक्शन का एट्रीब्यूट का क्या रोल है। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा मेनू होता है वो कितने तरीके का होता है। जो हमारा मेनू होता है वो एंड्रॉयड में वो 3 तरीके का होता है, एक ऑप्शन मेनू है, एक कॉन्टेक्स्ट मेनू है, एक पॉपअप मेनू है। तो इसको मतलब पूरा नाम लेते हैं, एंड्रॉयड ऑप्शन मेनू, एंड्रॉयड कॉन्टेक्स्ट मेनू, एंड्रॉयड पॉपअप मेनू। तो एक बाई एक करके समझते हैं कि ऑप्शन मेनू, ऑप्शन मेनू क्या होता है कि एक ग्लोबली मेनू की तरह होता है। जैसे ये बगल में देख रहे हैं कि ये हमारा जो वेब ब्राउजर है, ये गूगल क्रोम, तो उसके लिए जो 3 डॉट है उस पर ओपन करने के बाद ये सब दिख रहा है। ये क्या है, मेनू है।
तो ये क्या है, एक तरह का ग्लोबली यूज करने का है कि हम चाहे तो पूरे पूरे हम अपने चाहे जिस एक्टिविटी के साथ लगाना चाहे सबके साथ लगा सकते हैं। यहाँ देखते हैं, द ऑप्शन मीनू इज ए प्राइमरी कलेक्शन ऑफ मीनू आइटम फॉर एन एक्टिविटी। इट इज वेयर शुड प्लेस एक्शन दैट हैव ए ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन द ऐप सच एज सर्च कंपोज ईमेल एंड सेटिंग। मतलब इस तरह से अगर हम बात करें ईमेल वाले के लिए, तो ईमेल में क्या आता है, एक कंपोज का ऑप्शन, एक सर्च का, एक सेटिंग का, ये इस तरह। अगर हम वेब ब्राउज़र की बात करें तो वेब ब्राउज़र में कुछ इस तरह का मेनू दिखते हैं। तो हम जिस ऐप के लिए बनाना चाहते हैं, जो हमें टाइटल डालना है, हम वो टाइटल डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, मीनू डिजाइन करते हैं। तो अगर हम ऑप्शन मीनू की बात करें, तो ऑप्शन मीनू जो अभी हम मीनू बनाए हैं वो क्या है, कुछ इसी तरह का बना हुआ है। मान लीजिए हम ये सब आइटम डालना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, वहाँ ले जाके पेस्ट करते हैं। पहले नोट पैड में कर लेते हैं। क्यों नोट पैड में पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हमें, देखिए फिर एक लाइन में आया, तो हमें वहाँ एडिट ही करना पड़ेगा। कॉपी कर लेते हैं, एडिट करना पड़ेगा वहाँ। मतलब एक लाइन में लिख सकते हैं, अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अलग अलग हो तो अच्छा दिखेगा। हम वो यहाँ पेस्ट कर लिए। पेस्ट करने के बाद देखते हैं, देखिए पहला आइटम यहाँ है जिसका आईडी सर्च है और जिसमें जिसका टाइटल सर्च है। दूसरा आइटम अपलोड है, आईडी टाइटल भी अपलोड है। तीसरा ये है कॉपी आइटम, कॉपी आइटम। चौथा आइटम क्या है, प्रिंट करने का है, तो प्रिंट के लिए है। पांचवा शेयर के लिए है, तो शेयर के लिए भी दिख रहा है। इस तरीके से क्या है, हमारा आइटम आ गया। देखिए अब यहाँ कुछ ये क्या है, हार्ड कोड है, इसका मतलब स्ट्रिंग में वो सिग्नेचर नहीं हुआ, मतलब इसकी एंट्री नहीं हुई है। तो अगर हमें हार्ड कोड नहीं लिख के, अगर हमें प्रॉपर तरीके से लिखना है, तो हम इस पर क्या करते हैं, सो कंटेस्ट एक्शन करके या शॉर्टकट में अल्ट और इंटर दबाएंगे, उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स, हमारी स्ट्रिंग रिसोर्स ओपन हो जाएगी, फिर यहाँ ओके कर देंगे। फिर इसी तरह कॉपी, अभी देखिए हमारे स्ट्रिंग में कोई कॉपी का ही ऑप्शन है। अगर हमें कॉपी का करना है, तो या तो हम डायरेक्टली वहाँ कोड करें, या तो इस तरीके से हम रिजॉल्व कर लें जो हमारे पास प्रॉब्लम आया है। तो ये आसान है रिजॉल्व करना, हर केस में आसान नहीं होगा, मतलब यहाँ के केस में आसान हमें दिख रहा है, तो इस तरीके से जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। ये हो गया प्रिंट के लिए। अब एक बचा है बुकमार्क, बुकमार्क बचा है, ओके कर देते हैं। अब देखिए पूरा जो है वो क्या दिखा रहा है, एक यहाँ नेम स्पेस नेवर यूज, तो इसका कोई यूज हुआ नहीं, तो इसको देते हैं रिमूव कर। अब क्या है, देखिए पूरा एकदम क्लियर है मेरा कोड, कहीं कोई एरर नहीं। ये क्या एरर आ गया, मीनू का वो बंद नहीं है, एंगल ब्रेक है। अब देखिए देखते हैं, अब देखिए पूरा एकदम करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है पूरे कोड में। तो इस तरह से मेरे मीनू के आइटम जो है, एक सर्च है, एक अपलोड है, एक कॉपी है, एक प्रिंट है, एक बुकमार्क है, एक शेयर है, इस तरह से हमारे पास 6 आइटम हैं, एक मीनू हम बना रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें इसे अपने जो मेन एक्टिविटीज है उसमें वहाँ शो कराना है, तो क्या करेंगे, इसकी जो आईडी होगी, जो क्या करेंगे, एक हमारे पास
ये एक तरह का ऑप्शन मेनू बना रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, अन क्रिएट ऑप्शन मेनू का वो फंक्शन यूज करेंगे, उसके द्वारा हम अपने जो एक्टिविटीज में कॉल करेंगे वो उस एक्टिविटीज में शो होने लगेगा। तो चलिए देखते हैं, पहले थ्योरेटिकल देख लेते हैं, फिर उसके रिगार्डिंग हम प्रैक्टिकल समझ लेंगे। सिस्टम आज बहुत हैंग हो रहा है मेरा। ये जो हमने मीनू बनाया है, मीनू अंडर स्कोर ग्लोबल करके, अगर हमें इस मीनू को अपने मेन एक्टिविटी वाले एक्टिविटीज में इंक्लूड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग हम जावा में कुछ कोडिंग करेंगे। क्या है कोडिंग, कि ये किस तरह का मीनू है, हम ऑप्शन मीनू पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन मीनू के रिगार्डिंग एक मेथड है क्या, अन क्रिएट ऑप्शन मीनू करके, उससे हम क्या करेंगे, अपने इस मीनू को क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी में कॉल कर लेंगे। तो हम अगर मेन एक्टिविटी में कॉल करना है, मेन जो हमारा मेन एक्टिविटीज है उसमें कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग जो जावा फाइल है उसमें क्या करेंगे, हम मीनू को कॉल करेंगे। तो क्या मेथड है, अन क्रिएट क्रिएट ऑप्शन मीनू, देखिए ऊपर आ रहा है, तो इसको करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग क्या आ गया कि ये पूरा मेथड बन के आ गया, जिसमें क्या है, पहला एट्रीब्यूट है मीनू और उसके वो दूसरा पैरामीटर मीनू है। फिर इसके अंदर क्या हम किस तरह का वो फंक्शन क्रिएट करेंगे, कि गेट गेट मीनू मीनू गेट मीनू इन्फ्लेटर गेट मीनू इन्फ्लेटर डॉट उसके बाद इन्फ्लेट इन्फ्लेट, देखिए इन्फ्लेट के अंदर दो पैरामीटर है, एक पाला है मीनू रिसोर्स और दूसरा है मीनू का नाम। तो जो मीनू हमारा है वो कहाँ से है, जो मीनू है वो XML फाइल है, इसके रिगार्डिंग क्या आर डॉट जावा फाइल बनी होगी, तो हम वहाँ से जावा की फाइल में जावा को कॉल करेंगे, जावा वाले कोड को, तो आर डॉट मीनू डॉट कहाँ पे, मीनू ग्लोबल करके हैं, मीनू ग्लोबल कॉमा क्या है, मीनू। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा, जो मीनू है वो दिखेगा। फिर अगला क्या है, रिटर्न ट्रू, अगर हम रिटर्न ट्रू कर देते हैं, रिटर्न ट्रू तो अब क्या, मीनू हमारा दिखेगा हमेशा इस एक्टिविटीज में। अगर हम इसको रन करके देखें, तो रन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हम अगर इम्युलेटर पे रन करेंगे तो हमारा सिस्टम हैंग हो जाएगा, इसीलिए हम अपने रियल डिवाइस पे रन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रियल डिवाइस को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा USB के द्वारा। तो हमने कनेक्ट कर दिया, इसके बाद कनेक्ट करने के बाद ही अभी हमारा जो सिस्टम होगा, जो हमारा मोबाइल है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हमारा मोबाइल Xiaomi Redmi Note 7 दिखना स्टार्ट हो गया। अब हम करते हैं इस पर क्लिक और कराते हैं रन, क्लिक करने के बाद कराते हैं रन। तो देखिए हमने क्लिक कर दिया, ये रन होना स्टार्ट हो गया। तो रन देखिए यहाँ ग्रेडल हमारा बिल्ड हो रहा है, ग्रेडल बिल्ड रनिंग करके स्टार्ट हो गया। तो हम वेट करते हैं जब तक ग्रेडल हमारा बिल्ड हो रहा है, दो मिनट हो गए अभी तक हमारा
देखिए 2 मिनट 4 सेकंड 73 मिली सेकंड लगा ग्रेडल हमारा बिल्ड होने में। इसके बाद इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद लॉन्चिंग एक्टिविटी दिखा दिया है, तो हमारे मोबाइल का लॉन्चिंग एक्टिविटी ओपन होगा। अब देखिए मोबाइल का जो राइट पोर्शन है यहाँ 3 डॉट का ऑप्शन आ गया है, इस पर टच करते ही जो हमारे मेनू का ऑप्शन था सर्च अपलोड कॉपी प्रिंट शेयर बुकमार्क ये सब दिखना स्टार्ट होगा। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं सर्च पे, जैसे अपलोड पे क्लिक किए तो कुछ नहीं हुआ, तो उसके रिगार्डिंग कोडिंग हमें करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर टाइटल के रिगार्डिंग। तो अगर हमें आइटम के रिगार्डिंग कोडिंग करनी है तो हम अपने जावा वाली फाइल में यहाँ क्या ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड करके मेथड है, जैसे हम यहाँ दिखा दे रहे हैं कौन सा मेथड, ऑन ऑप्शन ऑन ऑप्शन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, इस तरह का एक मेथड है। इस पे इसके अंदर जो हम कोडिंग करेंगे वो क्या, जब हमारा ये आइटम सेलेक्ट होगा जो उससे रिगार्डिंग वर्क कराना चाहते हैं, जैसे अपलोड से अपलोड पे अगर हम क्या किए सेलेक्ट किए तो अपलोड के रिगार्डिंग जो हमारे न्यू एक्टिविटीज होगी या न्यू टैब होगा उसके रिगार्डिंग वो ओपन होना चाहिए, तो उसकी कोडिंग हम कहाँ करेंगे, ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड के अंदर पूरा कोडिंग करेंगे। तो इसी पे क्या करते हैं, देखिए जो ऑन क्रिएट ऑप्शन मीनू हमने मेथड डाला था वो किसके अंदर लिखा गया है, ऑन क्रिएट मेथड के अंदर जो एक्टिविटीज के लाइफ साइकिल है ऑन क्रिएट मेथड जो है उसके अंदर लिखी गई है। इसके अंदर क्यों लिखी गई, क्योंकि इसके अंदर वही चीज़ लिखी जाती है ऑन क्रिएट में जो एक बार हो और जो स्टार्टिंग में हो। तो जो हम मेनू ऑप्शन बना रहे हैं मेनू दिखना चाहिए, तो शुरुआत जैसे ही ओपन होगा मेरा एक्टिविटी वैसे ही क्या होगा कि दिखना चाहिए। तो इसीलिए जो ऑप्शन ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू है उसको हम क्या किए हैं कि अन क्रिएट वाले जो एक्टिविटीज की लाइफ साइकिल का मेथड है उसके अंदर लिखा गया है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से काम हो रहा। फिर ये देख रहे हैं कि जो अन क्रिएट ऑप्शन मेनू है उसके अंदर क्या है, एक हमने इस मेथड को ओवरराइड किया है, इस मेथड के जो इन्फ्लेटर मेथड है उसके अंदर हमने काम मतलब उसका एड्रेस लिखा है। देखिए इफ़ यू ऑब्जर्व एबव कोड वी आर ओवर राइटिंग ऑन क्रिएट ऑप्शन मेनू मेथड इन एक्टिविटी टू क्रिएट ऑप्शन मेनू एंड लोडेड आर डिफाइंड मेनू रिसोर्स यूजिंग मेनू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट जनरली ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द एक्टिविटीज ऑन क्रिएट कॉलबैक मेथड विल बी कॉल्ड बाय द एंड्रॉयड फ्रेमवर्क टू गेट रिक्वायर्ड लेआउट फॉर एन एक्टिविटी। जैसा कि इस तरह का हमने जो अभी बनाया है उस तरह का पूरा ये उसी के रिगार्डिंग हमने फोटो यहाँ दिखाया है। तो इस तरह से हमने कौन सा मेनू पढ़ा, ऑप्शन मेनू के बारे में डिटेल में देखा। ऑप्शन मेनू का तब यूज करते हैं जब हमें ग्लोबल रूप से यूज करना हो, चाहे मतलब ग्लोबल का मतलब हर एक एक्टिविटीज के साथ हम यूज कर सकते हैं। अगला मेनू आता है क्या, कंटेस्ट मेनू। कंटेस्ट मेनू का मतलब जैसा कि नाम से ही पता चला किसी के कंटेस्ट में होगा। कंटेस्ट मेनू का मतलब ये होता है कि जैसे हम कभी कभी देखे होंगे कि हम किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर हम काफ़ी देर तक प्रेस किए रहते हैं तो 2-3 ऑप्शन खुल के आते हैं, तो इस तरह के मेनू को क्या बोलते हैं, कंटेस्ट मेनू बोलते हैं। तो देखते हैं, ए कंटेस्टुअल मेनू ऑफर एक्शन दैट अफेक्ट द स्पेसिफिक आइटम आर कंटेस्ट फ्रेम इन द UI। जो हमारा कंटेस्ट मेनू होता है वो किसी स्पेसिफिक आइटम के लिए बनाया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक टेक्स्ट सेलेक्ट वाला फील्ड है, अगर हम काफ़ी देर तक उसके ऊपर हम प्रेस किए रहें तो उसके रिगार्डिंग जो मेनू होगा वो मतलब पॉपअप की तरह ओपन हो जाएगा।
तो कंटेस्ट मीनू के नाम से ही पता चल रहा है कि किसी कंटेस्ट के रिगार्डिंग बनेगा, किसी स्पेसिफिक आइटम के रिगार्डिंग हम बनाते हैं, ना कि ग्लोबल रूप से होता है। जो ऑप्शन मीनू होता है वो ग्लोबल रूप से, मतलब हम चाहे जिसके साथ यूज कर सकते हैं, खाने का मतलब किसी भी एक्टिविटीज के साथ यूज कर सकते हैं। यू कैन प्रोवाइड ए कंटेस्ट मीनू फॉर एनी व्यू बट दे आर मोस्ट ऑफ्टन यूज फॉर द आइटम इन द लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू और अदर व्यू कलेक्टेड इन द विच द यूजर कैन परफॉर्म डायरेक्ट एक्शन ऑन ईच आइटम। तो हम चाहें तो कंटेस्ट मीनू किसी भी कंपोनेंट के साथ बना सकते हैं, लेकिन जो आइटम होता है वो जनरली उसी के साथ बनाते हैं। जैसे लिस्ट आइटम हुआ, लिस्ट भी हुआ, ग्रिड भी हुआ। जैसे क्या होता है कि कोई फ़ोटो होता है, फ़ोटो पे काफ़ी देर तक प्रेस करने के बाद 3-4 ऑप्शन आ जाता है, डिलीट का, मॉडिफाइड का, इस तरह से ब्यूटीफाई का, कि इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन किसके द्वारा? कंटेस्ट मीनू के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो कंटेस्ट मीनू का यूज वहाँ करते हैं जहाँ हमें पर्टिकुलर किसी आइटम के रिगार्डिंग लिस्ट व्यू देना होता है, पर्टिकुलर कंपोनेंट के रिगार्डिंग हमें कुछ ऑप्शन देना रहता है, तो हम वहाँ कंटेस्ट मीनू का यूज करते हैं। तो अगला मीनू है पॉपअप मीनू। पॉपअप मीनू का मतलब हुआ कि ये भी क्या है, पॉपअप मीनू मतलब जो हमारा कंटेस्ट मीनू होता वो उसको ओपन करने के लिए क्या हम करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे काफ़ी देर मतलब थोड़े देर तक प्रेस करना पड़ता है। लेकिन पॉपअप मीनू का मतलब यह हुआ जिस लिस्ट पे, जिस आइटम पे हम इसको लगाएंगे उस पे खाली प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिक वो आप मीनू ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं, पॉपअप मीनू डिस्प्ले ए लिस्ट आइटम इन ए मॉडल पॉपअप विंडो। मतलब पॉपअप मीनू का मतलब क्या है कि वो क्लिक होते ही एक पॉपअप विंडो की तरह ओपन हो जाएगा। द पॉपअप मीनू विल अपीयर बिलो द व्यू। जिस व्यू के ऊपर हम लगाते हैं पॉपअप मीनू, उस व्यू के बिलो वो पॉपअप मीनू ओपन होता है। अगर जगह है तो व्यू इफ देयर इज ए रूम आर अबव द व्यू इन केस इफ द नो स्पेस। मतलब अगर नीचे ओपन होने की जगह है तो नीचे ओपन होगा, अगर जगह नहीं है, अगर उसको रूम नहीं, स्पेस नहीं प्रोवाइड हुआ तो ऊपर होगा। एंड इट विल बी क्लोज ऑटोमेटिक व्हेन द टच आउटसाइड द पॉपअप। और यहाँ पॉपअप जो विंडो ओपन होता है, अगर पॉपअप विंडो के आउटसाइड कहीं भी टच कर देते हैं तो ऑटोमेटिक क्लोज होता है। तो इस तरह से पॉपअप मीनू का यूज करते हैं। तो हमने पूरे मतलब इस सेशन में हमने ऑप्शन मीनू के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा की है, फिर पॉपअप मीनू के बारे में समझाया, फिर कंटेस्ट मीनू के बारे में समझाया। तो इन तीनों का मतलब क्या है कि जैसे ऑप्शन मीनू हुआ, ऑप्शन मीनू ग्लोबल रूप से कहीं भी यूज कर सकते हैं। कंटेस्ट मीनू किसी पर्टिकुलर आइटम पे यूज किया जाता है, ये इस तरह का होता है जैसे लॉन्ग प्रेस करने पे वो मीनू आइटम ओपन हो जाता है। पॉपअप मीनू किसी भी आइटम पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। मान लीजिए कोई बटन है, बटन पे अगर हल्का सा प्रेस करें तो उसके रिगार्डिंग हमें वो पूरा मीनू दिख जाए, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल में इस पीडीएफ में पढ़ा है, ये पीडीएफ आप लोग शेयर कर देंगे, बाकी डिटेल में पढ़ लेना। तो इस तरह से हमारा मीनू वाला पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कवर हो चुका है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि दूसरे अदर कॉलेज के बच्चे भी इसको देख सके, बेनिफिट ले सके। और